गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज है 12 फरवरी 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन इथोपिया देश के आदिस अबाबा शहर में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है अफ्रीकन यूनियन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन एक महाद्वीपीय संघ है, इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफ्रीका देशों के बीच एकता को मजबूत करना। और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथोपिया के आदिस अबाबा शहर में है और इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दाल दिवस 2020 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व दाल दिवस 2020 10 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है दाल, यानी कि दलहन, तो दलहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। हाल ही में दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अभी हाल ही में दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन महाराष्ट्र के लोनावाला शहर में हुआ है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय डीवार्मिंग दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊँचे पर्वत माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। तो अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की काम्या कार्तिकेन बन गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। काम्या कार्तिकेन भारत देश की एक लड़की हैं। अब बात कर लेते हैं माउंट एकांकागुआ के बारे में। तो अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतमाला में स्थित माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है, ऊंचाई कितना है? 6962 मीटर, यह दक्षिण अमेरिका देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बना है। तो अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा परिचालन, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो स्टेशन हैदराबाद मेट्रो बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य के, क्योंकि तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम हैदराबाद है, तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है और यहाँ के राज्यपाल का नाम तमिलसाई सौंदरराजन है और तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है। और तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटें 17 हैं और राज्यसभा सीटें टोटल 7 सीटें राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें 119 सीट हैं तेलंगाना राज्य में। अब और कुछ जानकारी हैदराबाद शहर से जान लेते हैं। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है दोस्तों, तो क्वेश्चन बन सकता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है।
सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद शहर में ही है। यूनेस्को ने हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है। रेलवे ने हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। बायो एशिया सम्मेलन 2020 का आयोजन भी हैदराबाद शहर में ही किया जाएगा। हैदराबाद शहर में पहला स्पेस म्यूजियम बनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन हैदराबाद शहर से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों की सूची में भारत का IIMB स्कूल किस स्थान पर रहा है। तो हाल ही में 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों में भारत का IIMB स्कूल तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है IIMB, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? तो IIMB का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलोर। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है, जो कि एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है फिल्म जगत के क्षेत्र का। अब ऑस्कर अवार्ड से कुछ और क्वेश्चन जान लेते हैं। बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जोआक्विन फिनिक्स को दिया गया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप योजना के बारे में। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 10वीं 12वीं और स्नातक को प्रतिवर्ष 2500 रुपये दिया जाएगा। प्रतिमाह 2500 रुपये दिया जाएगा 6 अथवा 12 महीनों की अवधि के लिए। इसमें यह है कि जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की तरफ से 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा 12 और 6 महीनों की अवधि तक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को भी शुरू किया है। अब यहाँ पर बात हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदी बेन पटेल है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 404 हैं। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। पाकिस्तान देश के क्रिकेटर नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है पाकिस्तान देश का, तो पाकिस्तान देश के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है और यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान देश की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। अब यहाँ पर बात हुआ है क्रिकेट का, तो क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं। भारत में क्रिकेट को BCCI रेगुलेट करता है, जिसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और BCCI के सचिव जय शाह हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं और BCCI का मुख्यालय मुंबई शहर में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को ICC रेगुलेट करता है, जिसका मुख्यालय दुबई शहर में है और ICC के CEO मनु साहनी हैं और इसके चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुनर हाट का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्तार अब्बास नकवी भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्रालय के मंत्री हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया है हुनर हाट, तो हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं। हुनर हाट जरूरतमंद मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण का मेगा मिशन है, जहाँ हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बेचा जाता है। अब यहाँ पर बात हुआ है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम कमलनाथ है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को सबसे साफ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस पार्थ किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस पार्थ भारतीय थल सेना के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात कर लेते हैं पार्थ के बारे में। इस डिवाइस को भारतीय थल सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो डिवाइस पार्थ बना है तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस डिवाइस को भारतीय थल सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। इस डिवाइस के निर्माण में 3 लाख रुपये खर्च किए हैं, जबकि इस प्रकार की आयात की गई डिवाइस की कीमत लगभग 65 लाख रुपए होती हैं। यह डिवाइस 400 मीटर की दूरी से बंदूक की गोली को लोकेट कर सकता है। दुनिया का पहला AK-47 बुलेट प्रूफ हेलमेट मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी हाल ही में मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाड़े जी हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम पर बनी बायोपिक का पहला लुक किसने जारी किया? तो अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम पर बनी बायोपिक का पहला लुक प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश जावड़ेकर के बारे में। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के सूचना व प्रसारण मामले के मंत्री हैं और APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर हैं। और इस फिल्म में डॉक्टर कलाम की भूमिका कौन निभा रहा है? तो इस फिल्म में डॉक्टर कलाम की भूमिका हॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद अली निभाएंगे। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक टर्म आया है सुरक्षित कृषि क्षेत्र, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सुरक्षित कृषि क्षेत्र होता क्या है? सुरक्षित कृषि क्षेत्र, जब किसी क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उस भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात हुआ है तमिलनाडु राज्य का, तो तमिलनाडु राज्य के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम चेन्नई है और यहाँ के प्रमुख त्यौहार कन्नड़ है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार कन्नड़ है और यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य का नाम भरतनाट्यम है। आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश का पहला दिशा पुलिस थाना किस राज्य में खुला है? तो इस क्वेश्चन का 4 आंसर दिया गया, जिसमें एक सही है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। दोस्तों ये रहा आज की करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे बोलिए अंकित स्टडी IQ चैनल पर डेली सुबह 5 बजे करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं। यह चैनल सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Thanks for watching this video.